नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर्ट्रे वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग के एक और स्मार्टफोन के बारे में जो कल ही लॉन्च हुआ और साथ ही साथ अमेज़न एक्सक्लूसिव है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी 17 प्राइम का। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी 17 प्राइम के बारे में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी 17 प्राइम के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको उस स्मार्टफोन का पिक्चर दिखाना चाहूंगा, तो देख लीजिए यही है उस स्मार्टफोन का पिक्चर। अब बात करते हैं उसे कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों शुरुआत करते हैं जनरल स्पेसिफिकेशन से। यहाँ पे आपको ब्रांड देखने को मिलता है सैमसंग, मॉडल है ऑन, मतलब ऑन 7 मॉडल है आपको देखने को मिलता है, ऑन 7 प्राइम। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 7.1.1 नुगेट पर वर्क करता है, वही कस्टम यूआई सैमसंग की आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो डुअल सिम स्मार्टफोन है दोनों, नैनो इंडियन ब्रांड्स 4G को सपोर्ट कर लेता है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें यहाँ पे डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 151.7 mm की हाइट, 75 mm की विड्थ, 8 mm का थिकनेस, 167 ग्राम का वेट। और साथ ही साथ ये जो स्मार्टफोन है मेटल का बना हुआ है, यानी एक अच्छा खासा डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन ब्लैक कलर में उपलब्ध है, एक और कलर है। और साथ ही साथ यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5.5 इंच का एक HD डिस्प्ले, HD नहीं फुल HD डिस्प्ले। हमको लगा यहाँ पे 18:9 एस्पेक्ट्रेसी वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 18:9 एस्पेक्ट्रेसी वाला डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 401 की PPI, यानी पिक्सल डेंसिटी 401 PPI पिक्सल पर इंच देखने को मिल जाती है। IPS LCD पैनल यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, वही TFT डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको कोई सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है उसी का सैमसंग का खुद का बनाया हुआ एक्सिनोस 7870 जो 1.6 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। आर्किटेक्चर देखने को मिल जाती है 64-bit की, और इसका साथ देने के लिए GPU लगाया गया है माली का T830 GPU। दोस्तों बात करें यहाँ पे रैम की, तो 4GB की रैम देखने को मिल जाती है, 32GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बात करें यहाँ पे कैमरे की, तो कैमरा कुछ खास सा देखने को नहीं मिलता है, 13 MP का रियर कैमरा भी है और फ्रंट कैमरा भी 13 MP का, मतलब वो कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक ठाक सा कैमरा। मीन सैमसंग का कैमरा, तो सैमसंग का कैमरा बेटर रहता भी है। यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा भी ठीक ठाक सा देखने को मिलता है 13 MP का, रियर कैमरा भी 13 MP का। फ्रंट में आपको f1.9 की अपर्चर देखने को मिल जाती है और रियर में भी आपको ऐसा ही देखने को मिल जाता है, यानी एक अच्छा कैमरा, खराब नहीं कर सकते। और 3300 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलती है, तो बैटरी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात करें इसके कुछ और जनरल स्पेसिफिकेशन, जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट ये सब तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं सेंसर की, तो हमेशा की तरह सैमसंग के हर स्मार्टफोन में जैसे सेंसर मिसिंग रहता है, यहाँ पर आपको सेंसर मिसिंग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको जायरोस्कोप देखने को नहीं मिलता, यही कुछ 2-4 सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलोमीटर सेंसर, और कोई सेंसर यहाँ पे देखने को ज्यादातर नहीं मिलता है। तो बेसिकली ये सैमसंग का परंपरा है, क्योंकि सैमसंग के जितने भी मिड रेंज डिवाइस वहाँ पे सैमसंग सेंसर को खा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको जायरोस्कोप सैमसंग के मिड रेंज उठा के देख लीजिए, चाहे वो J7 प्राइम हो या फिर कोई भी डिवाइस हो मिड रेंज, वहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली यही है इसका फुल स्पेसिफिकेशन। मैं बात करता हूं अपने ओपिनियन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन ठीक ठाक सा है, इस प्राइस में ठीक ठाक सा है। दोस्तों यहां पे बात करें प्राइस की, तो 12,990 रुपया प्राइस रखा गया है, तो प्राइस ठीक ठाक सा है। इस प्राइस रेंज में ये ठीक ठाक सा स्मार्टफोन है, कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक ठाक सा है। लेकिन हाँ दोस्तों, इससे कम प्राइस में आपको ऑनर ने कल ही एक स्मार्टफोन को लॉन्च किया, ऑनर 9 लाइट, वहां पे आपको कमाल के स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। सेंसर वहां पे कोई भी मिसिंग नहीं किया गया है, साथ ही साथ वहां पे आपको 4 कैमरे देखने को मिलते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है, वो जो स्मार्टफोन है ऑनर 9 लाइट, वहां पे आपको देखने को मिलता है 13+2 MP का रियर में भी, फ्रंट में भी, और साथ ही साथ ठीक ठाक सा ब्रांड है। लेकिन इसके ब्रांड वैल्यू को नजर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सैमसंग के इस डिवाइस का, सैमसंग का है, तो यहाँ पे ब्रांड वैल्यू भी तो ठीक ठाक सा प्राइस है, कुछ खराब नहीं है, सैमसंग ठीक ठाक सा प्राइस रखा है। अगर आपको खरीदना है, आप सैमसंग लगवा रहे हैं, मतलब आपको अच्छे ब्रांड का स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इसे ले सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास इतना पैसा है और आप चाहते हैं उस प्राइस रेंज में एक बेस्ट स्मार्टफोन लेने के लिए, तो ऑनर 9 लाइट आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा और खर्च करना है और उससे भी बेटर चॉइस चाहिए, तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, आ रहा है वन एंड ओनली रेडमी नोट 5, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन आने वाला है और जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे आपको तो डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 18:9 एस्पेक्ट्रेसी वाला डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। मतलब ये जानते हैं रेडमी का जो भी सीरीज आता है क्लियर रहता है, रेडमी नोट 4 आया क्लियर, रेडमी नोट 3 आया क्लियर, और साथ ही साथ रेडमी नोट 5 आएगा ये भी क्लियर रहेगा। दोस्तों बस इतना ही था मेरा ओपिनियन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।